क्रियाकलाप तीन, दो परख नलियाँ लीजिए और प्रत्येक में 10-10 ml कठोर जल लीजिए। एक में साबुन के घोल की 5 बूंदें और दूसरे में अपमार्जक के घोल की 5 बूंदें डालिए। दोनों परख नलियों को समान समय तक हिलाएं। क्या दोनों में झाग की मात्रा समान है? किस परख नली में दही जैसा पदार्थ बनता है? इस क्रियाकलाप से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? इस क्रियाकलाप में आपने अपमार्जक तथा साबुन की कठोर जल में सफाई की क्रिया को देखा। कुछ अपमार्जक जैव निम्नीकृत नहीं होने के कारण जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं, इसलिए इनका संतुलित उपयोग करना चाहिए। बच्चों, इसके पूर्व क्रियाकलाप में आपने देखा कि साबुन कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करते हैं और इसलिए हमारे कपड़े भी कठोर जल में अच्छी तरह साफ नहीं होते हैं। अतः यदि पानी कठोर हो तो हमें साबुन के स्थान पर अपमार्जक यानी कि कपड़ा धोने के पाउडर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये अपमार्जक कठोर जल में भी बहुत सारा झाग उत्पन्न करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने 2 परख नलियों में कठोर जल ले लिया है। अब परख नली अ में मैं कपड़ा धोने के पाउडर का घोल डालती हूँ। और परख नली ब में मैं साबुन के घोल डालती हूँ। अब दोनों परख नलियों को मैं अच्छी तरह से हिलाती हूँ। बच्चों, आप देख रहे हैं कि परख नली ब में जिसमें हमने साबुन का घोल लिया था उसमें ज़्यादा झाग उत्पन्न नहीं हुआ, साथ ही आपको कुछ अवक्षेप भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि परख नली अ में जिसमें हमने डिटर्जेंट पाउडर का घोल डाला था उसमें काफ़ी झाग दिखाई दे रहा है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिल अम्लों के लवण होते हैं और ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ अविलेय लवण नहीं बनाते हैं और इसलिए कठोर जल में भी बहुत सा झाग उत्पन्न करते हैं। अतः यदि हमें कठोर जल में कपड़ा धोना हो तो साबुन के स्थान पर अपमार्जक यानी कि कपड़े धोने के पाउडर का उपयोग करना चाहिए।